तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूँ इसके सौरभ और आप सभी देख रहे हो लेजेंड्स की यूट्यूब चैनल। और आज अपन लोग प्ले कर रहे हैं डुअ वर्सेस स्क्वाड। डुअ वर्सेस स्क्वाड में होता क्या है, हम दो बंदे, हमारे सामने चार प्लेयर, और हमें इस प्रकार से गेम प्ले करना है कि उन चारों बंदों को मार के बुया ले पाएं। और आज के गेम प्ले के अंदर अपन लोग क्रिकेट कॉमेंट्री करेंगे, क्योंकि आज का मैच है दिल्ली वर्सेज गुजरात। तो ये टक्कर का मुकाबला होगा और थोड़ी बहुत मैच की बातचीत भी करेंगे अपन लोग। तो चलो यार, देखते क्या होता है। तब तक के लिए आई थिंक सो पीछे की साइड एनिमीज हैं, तो हमें थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन लोग ध्यान से नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे और अपन लोग को करना पड़ेगा गेम रीस्टार्ट। देखो सामने की साइड, देखो प्लेयर आ चुका है। ये तत्सुया की एबिलिटी पक्का लेके आएगा। ये देखो तत्सुया की एबिलिटी लेके आया है और एक भी हेडशॉट नहीं, पीछे की साइड आया है और ओपी वाले हेडशॉट के साथ बंदे का काम तमाम। और इसी को मारने के बाद अपन लोग अपने बंदे को कर देंगे रिवाइव। हर्ष भाई बहुत ही तगड़ा गेम खेलते हैं, पर पता नहीं कैसे हमारे साथ जब खेलते हैं तो वो नॉक हो जाते हैं। तो ये भी एक दमदार बात है, क्योंकि इस टाइम पे अपन लोग को मिल जाते हैं बहुत सारे किल। तो पीछे की साइड से एनिमी आ चुका है। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सामने की साइड से अगर ये बंदा कूदेगा तो देखेंगे। तो सामने साइड से कूदा है और आखिरी वाली गोली हेडशॉट लगी और बंदे का कम से कम, बट इससे बहुत तगड़ा धोया यार। उसके पास शायद से रिवाइव करने वाला फिर से अपने आप को रिवाइव करना चाहता था, बट नहीं चिमकांडी चचा, इसे थोड़ी ना रिवाइव करने देंगे यार। और अंदर की साइड जाके अपन लोग, ओ देखो पीछे की साइड से एक और एनिमी है और इसमें अपन लोग मार पाएंगे। चलो इधर से एक ग्लूवर डालते हैं और आ जाबे। आई थिंक सो वो ऊपर की साइड गया है, बट उससे पहले अपन लोग इधर मारी मेडी किट मारेंगे और एक रिपेयर किट मारेंगे, उसके बाद ऊपर की साइड वाले एनिमी को धोएंगे। क्योंकि अगर अपन लोग इधर मेडी किट नहीं मारते, उसके बाद अपन लोग की कम हेल्थ होती और उसके बाद अपन लोग को मारना बहुत ही ईजी होता बंदे के लिए, तो वैसा अपन लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो आ अपन लोग को चलना चाहिए ऊपर की साइड। और वो उतरने जा रहा है क्या भाई साहब? मतलब वो नीचे आना चाहता था बट उससे पहले ही अपन लोगों ने इसको क्या ही गोली वाले हेडशॉट दिए और बंदे का काम तमाम। इसी के साथ अपन लोग के हो चुके हैं 3 किल। और 3 किल अगर आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को देखते रहो यार, क्योंकि आगे बहुत तगड़ा गेम प्ले करने वाले हैं अपन लोग। और सब्सक्राइब जिसने जिसने नहीं किया है कर दो यार, 176 सब्सक्राइबर्स हैं अपन लोग, 180 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो कर दो यार सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली इस बंदे को मारने के बाद अपन लोग आ चुके हैं सामने की साइड, और सामने की साइड और भी एनिमीज है, तो हमें थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। अरे ओपी वाले हेडशॉट के साथ बंदे का काम तमाम और हर्ष भाई को भी नॉक कर दिया इसने, तो थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा अपन लोग को। इधर से सबसे पहले करेंगे रिवाइव, उसके बाद बाकी सारे प्लेयर्स को देखेंगे जहाँ पे वीडियो को। तो तब तक के लिए थोड़ा सा करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और उसके बाद करते हैं क्रिकेट टॉक यार। चलो तो दोस्तों, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद सामने की साइड देखो, एयर ड्रॉप के पास बंदा है, बट आई थिंक सो राइट साइड से बंदे ने धोया। अपन लोग को इधर से एक ग्लू वॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग को इसकी लोकेशन नहीं पता थी। मतलब अपन लोगों ने इसको नॉक तो किया था बट पूरा खत्म नहीं किया था, इसी वजह से वो बंदा अपने से जिंदा बच चुका था। और ओपी वाले हेडशॉट के साथ बंदे का काम तमाम। और इसी के साथ अपन लोग के हो चुके हैं 6 किल। गाइस 6 किल तक अगर गेम प्ले देख रहे हो तो लाइक कर दो यार। हाँ चलो, क्रिकेट की थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। आज मोहित शर्मा 2 से 3 विकेट लेके जाने वाले हैं। नूर अहमद अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो 2 से 3 विकेट उसका भी कंफर्म समझो। और पृथ्वी शॉ बोलेगा, मतलब अहमदाबाद के अंदर मैच है तो सुमन गिल का बल्ला भी 100 मार सकता है। मेरे ख्याल से 60 to 80 रन मार देंगे आज सुमन गिल। और सामने की साइड प्लेयर उसको धोते हैं, बट एक ग्लू वॉल लगा है क्योंकि वो बंदा बच चुका है यार। आई थिंक सो हम पे रस करेगा, उसके लिए अपन लोग को करना पड़ेगा कुक ग्रेनेड। तो कुक ग्रेनेड करते हैं पहले, उसके बाद जो बंदा वो आएगा उसके बाद उसके ऊपर डालेंगे यार। मतलब सिंपल सी बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत बेकार बात है, तो सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले इधर करते हैं ग्रेनेड को कुक और उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है। देखो ऊपर की साइड आ चुका है एनिमी, इधर से ग्रेनेड करके कुक और सामने की साइड, बस नीचे की साइड आ चुका है, तो नीचे की साइड आते हैं आरे गन पे और ओपी वाले हेडशॉट के साथ खत्म। इसको पूरा लपेट देंगे यार। मतलब इस बंदे ने सोचा क्या था इसमें? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि इस बंदे ने क्या किया। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, बट आप सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी सब्सक्राइब कर दो। मतलब समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और नहीं समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, मतलब दोनों में अपनी ही तारीफ हो चुकी है। तो सामने की साइड और भी बंदे हैं, तो देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सो अरे यार, आप सभी को एक बात और बतानी है कि ये मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद के अंदर जब भी मैच होता है तो सुमन गिल 50 जरूर मारता है। तो आप लोग उसको बना लो यार कैप्टन। ये बात अलग है कि वर्ल्ड कप के अंदर उसने 50 नहीं मारी थी, 20 के अंदर आउट हो गया। मतलब वो सब अपन लोग टॉपिक से नहीं भटकेंगे, अपन लोग अपने गेम प्ले को करेंगे। सामने की साइड प्लेयर और ओपी वाले हेडशॉट के साथ बंदे का काम पूरा धो देंगे अपन लोग। इसी के साथ अपन लोग के हो चुके हैं 8 किल। और गाइज 8 किल हो चुके हैं 4 मिनट के अंदर। ऐसा कौन सा यूट्यूबर है यार, तुमको मुझे बताओ पहले, 4 मिनट के अंदर 8 किल कौन दिखाता है अपने गेम प्ले के अंदर? मैं दिखाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ, तो मैं डेली दिखाता हूँ। मतलब डेली गेम प्ले वीडियोज आती हैं शाम 5 बजे, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना तो बहुत, मतलब एक तरह से बोल रहा हूँ कि आप सभी को फोर्स कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर, बट ऐसा बात नहीं है यार, मतलब सब्सक्राइब कर दो, बस सिंपल सी बात है। सामने की साइड बढ़ते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा और ओपी वाले डैमेज के साथ बंदे का काम तमाम। इसी के साथ पूरा मार देंगे अपन लोग, और इसी के साथ हम लोग के हो चुके हैं 9 किल, जो कि एक दमदार बात है यार। सामने की साइड चलते हैं और देखते हैं बाकी सारे एनिमीज कहाँ पे मिलेंगे। ऊपर की साइड और एनिमीज होने चाहिए, क्योंकि जोन जैसे जैसे छोटा हो रहा है बंदे भी कम पड़ रहे हैं।
और कम पड़ने की बजाय रिवाइव करके अपने बंदों को बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा अपन लोग को। यार ओपी वाले हेडशॉट, मतलब ये हेडशॉट है यार, ये तो तबाही हेडशॉट है यार। चलो सामने की साइड चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। मतलब कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो चुकी है, और लाइक सब्सक्राइब का अब नहीं बोलूँगा मैं, इतना बोलना चाहूँगा कि आज मैच गुजरात जीतेगी, और हाँ यही बोलना चाहूँगा। और नौरखिया खलील अहमद अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो विकेट ले जाएंगे, अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो कुलदीप यादव और खलील अहमद, हाँ ये दोनों का विकेट मिलेगा। और सामने की साइड देखो जीप वाले बंदे को उतार के फिर कहाँ जा रहे हो, तो मतलब ये किल चोरी होगी, अपने ही बंदे ने किल चोरी कर लिया, तो अच्छा सिला दिया दिखा और बंदे ने कर दिया किल चोरी। इसी के साथ अपन लोग हो चुके हैं 11 किल। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इधर से एक ग्लू वॉल डालते हैं और देखो देखो पीछे की साइड भी एनिमीज हैं, तो आई थिंक सो हमें इधर से एक मेडी किट मारना चाहिए। मेडी किट मारने के बाद राइट साइड से जाके उसको वहाँ से लेफ्ट साइड से अगर धोएंगे तो उसको सरप्राइज मिलेगा, और उसी को अपन लोग मार सकते हैं इस टाइम पर। देखो लेफ्ट साइड में प्लेयर है और आई थिंक सो बॉडी शॉट के साथ मारा जाएगा क्योंकि रनिंग में है, ग्लू डाला और बंदे का कम था। देखो अगर ये ग्लू वॉल इधर नहीं डालता तो अपन लोग बच जाते, और मतलब अपन लोग क्या बचते, वो लोग बच, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब इतनी गर्मी हो रखी है कि हमारी जुबान फिसल रही है, अब समझ रहे हो यार। मतलब इसके अंदर मैं टाटा आईपीएल की कमेंट्री के साथ तुमको वेदर कमेंट्री भी दे रहा हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, सामने की साइड से आते हैं आज के हेडशॉट और एक और हेडशॉट, और इसी के साथ बंदे का काम तमाम। हर्ष भाई को करते हैं रिवाइव और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हर्ष भाई भाई साहब यार जैसे जब भी हमारे साथ खेलते हैं तो नॉक हो जाते हैं, मतलब अपनी तारीफ में ऐसा बोलते रहते हैं बहुत तगड़ा खेलता हूँ, बट जब हमारे साथ खेलते हैं तो वो नॉक हो जाते हैं, ये भी सही है। तो करते हैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और बाकी सारे प्लेयर जहाँ क्योंकि अपन लोग की किल चोरी हो सकती है। इधर ऊपर देखो पैराशूट से बंदा उतर रहा है, अब आई थिंक सो हमें चलना चाहिए राइट साइड से। वो पैराशूट से बंदा जो उतरा है वो लकड़ी वाले हाउस में उतरेगा क्योंकि उसके पास की जाहिर से बात है, और ओपी वाले क्या ही रेड नंबर दिखा यार। तो गाइज ये आखिरी किल था अपन लोग का और इसके बाद अपन लोग गुजर जाएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और आज गुजरात जीतने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।